अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आवास पर छापेमारी की खबर आई। दावा खुद पूर्व राष्ट्रपति की ओर से किया गया। ट्रंप ने कहा कि फेडरल जांच एजेंसी ने उनके फ्लोरिडा स्थित पाम बीच पर बने घर में छापा मारा। इस दौरान उनकी तिजोरी भी तोड़ दी गई। ट्रंप के इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड लेकर जाने को लेकर ये छापेमारी हो सकती है। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से ट्रंप के खिलाफ जांच चल रही है। सर्च सोमवार सुबह शुरू हुआ, जो कई घंटों बाद तक जारी रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि बड़ी संख्या में आए एफबीआई एजेंटों ने उनकी मारे लागो वाले घर को खंगाला है। हालांकि एफबीआई मुख्यालय और मियामी क्षेत्र कार्यालय की ओर से इस पूरे मामले में चुप्पी साधी गई है। ट्रंप ने कहा कि उनके घर पर अभी घेराबंदी है, छापेमारी जारी है, एफबीआई ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि उन्होंने छापेमारी के कारणों को उजागर नहीं किया। ट्रंप पर राष्ट्रपति भवन छोड़ने के दौरान बक्सों में भरकर कागजातों को ले जाने का आरोप लगा था। उन बक्सों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। ट्रंप ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के भी करीब 15 बक्सों को अपने पास रखा था। कार्रवाई की धमकी के बाद उसे वापस किया। हालांकि एक पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर छापे को लेकर अब कई प्रकार की बातें होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि एफबीआई के हाथ कोई अहम सबूत होगा, तभी वो जजों से सर्च वारंट हासिल करने में कामयाब हुए होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।